कॉफी विद करण के एपिसोड के बाद अर्जुन कपूर की सिस्टर अंशुला कपूर को किया गया ट्रोल और जिस पर अर्जुन ने दिया करारा जवाब। अर्जुन कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर दिखाया गुस्सा। अर्जुन कपूर ने गुस्से में ट्वीट करते हुए ट्रोल्स की लगाई क्लास। दरअसल हाल ही में अर्जुन कपूर और जानवी कपूर करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर पहुंचे थे और यहां एक गेम के दौरान जानवी ने अंशुला कपूर को कॉल किया, लेकिन अर्जुन की मस्ती की वजह से यहां अंशुला उनकी बात नहीं सुन पाई और वो जानवी के कॉल का जवाब नहीं दे पाई। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर अंशुला को टारगेट किया जा रहा है और ये बात अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। You know, Saga, I really don't understand हमारी कंट्री में लोगों को किस किस बात से प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कॉफी विद करण में इतना कूल बैंटर चल रहा है अर्जुन और जानवी के बीच में, एंड बिकॉज उसमें उनकी सिस्टर भी इन्वॉल्व थी अंशुला, और लोगों को वो बात बुरी लग गई। एंड नाउ अब हाइट्स ये है कि रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि असली बहन होती है, पराई पराई होती है। I don't know what is the issue over here. I mean, very rightly, when Arjun Kapoor ने करारा जवाब दिया, I went through the comments and a lot of people have come out in support of Arjun Kapoor. It was a game. It was a game and people were having fun. They were having this banter on the show. और लोगों को अगर वो भी नहीं समझ आ रहा और उस पर वो अगर ट्रोल कर रहे हैं, where Arjun Kapoor, I stand by him as a brother. उन्होंने एक स्टैंड लिया अपनी बहन के लिए. He's written that forget the protocol because he knows कि वो celebrity है, तो अगर वो कुछ भी गलत बोल देंगे तो people will start judging him. But he has mentioned in this tweet that I don't want to follow the protocol anymore. I think whatever the trollers are doing, I hope they don't have to go through it. और वहाँ पर comments आए हैं, फातिमा ज़ारा ने कहा है, people have become intolerable, abusive, evil and ignorant. This is the truth of today's society. It has nothing to do with your family. Best wishes and best way to deal with the issue is just to ignore them, be happy and positive. Social media पर एक और व्यक्ति हैं पुष्कर, इन्होंने comment किया that yes, I agree, these trollers must be punished. I mean, involving family members in the trolls is disgusting. I support you, Arjun bhai, and in fact, I also support you, Arjun, because इस तरह के लोगों को तो I feel बैन कर देना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर एक अनोनिमस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपना चेहरा लगा के सामने आके बोल सके कि हाँ मैंने बोला है, कुछ कर सकते हो क्या। लेकिन क्योंकि आप इतने बड़े डरपोक हैं, आप सारी जिंदगी डर के रहे हैं और आप आगे भी डर के ही रहोगे, इसीलिए आप अनोनिमस अकाउंट बनाते हो और आप ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें बोलते हो। एंड आई थिंक द एपिसोड कॉफी विद करण एपिसोड वेयर अर्जुन एंड जानवी की जो केमिस्ट्री नजर आई, आई हैड सो मच रिस्पेक्ट फॉर अंशुला एंड अर्जुन कपूर दैट दे स्टूड बाय, दे एक्चुअली स्पोक अबाउट एग्जैक्टली हाउ द इक्वेशन इज, क्योंकि उनके लिए भी आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले हमारे घर में इक्वेशंस ऐसे नहीं थे जो अब है, एंड नाउ वी आर ऑल लाइक अ बॉन्ड टुगेदर। उनके लिए भी बहुत कुछ नया है, एंड व्हाट द फैंस एंड पीपल डू ना, दे फील दैट दे आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज उनके लिए ऑब्वियसली दे आर अ बिग फैन ऑफ जानवी नाउ एंड अर्जुन कपूर ऑफकोर्स, तो उनको लगता है कि ये हमारी फैमिली है, तो लेट्स नाउ स्टार्ट ट्रोलिंग देम. For what? Spread love, spread happiness. Why do you want to go to the negative route? Well, I feel, Saga, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, जो लोग इस तरह से अकाउंट बनाकर कुछ भी अपनी मर्जी से कॉमेंट कर देते हैं, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए। सबसे पहले तो इनके खिलाफ रिपोर्ट किया जाना चाहिए, इन्हें ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए, एंड इफ पॉसिबल इन्हें ट्रैक करके पनिश भी करा जाना चाहिए।